नवा रायपुर में लगी स्मृति ईरानी की पाठशाला, जब आंगनबाड़ी के बच्चों की टीचर बन गई रानी, दिया अक्षर ज्ञान, टीचर का सम्मान करने का भी कराया एहसास। 2014 से अब तक मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता पर विराजमान हुए पूरे 8 साल हो चुके हैं। ऐसे में मोदी सरकार के मंत्री पूरे देश के भ्रमण पर निकल पड़े हैं, सरकार की अब तक की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं और साथ ही लोगों से भी मोदी सरकार की अब तक की किए कामों की रिपोर्ट ले रहे हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर देश की जनता मोदी के कामकाज से कितनी प्रभावित है। इसी सिलसिले में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचकर स्मृति ईरानी ने आंगनबाड़ी केंद्र का भी दौरा किया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताया, बच्चों से बातचीत की और फिर कुछ देर के लिए बच्चों को पढ़ाती भी नजर आई। केंद्रीय मंत्री ने बच्चों से अक्षर ज्ञान पर सवाल जवाब किए। बच्चों के जवाब से स्मृति ईरानी काफी प्रभावित दिखी। केंद्रीय मंत्री ने बच्चों से अनार, खरगोश, कबूतर के चित्र दिखाकर सवाल किए। गुजराती में पूछा कि खरगोश किसने देखा है, अनार किसने खाया है, वो भी इन पलों को बच्चों के साथ एंजॉय करती नजर आई। आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाते हुए स्मृति ईरानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बताओ ये कौन है? इस पर ईरानी ने एक ट्वीट भी किया है, लिखा है, रायपुर छत्तीसगढ़ स्थित ऊपरवारा में आज स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र और CCI सेंटर का निरीक्षण किया। हर वर्ग के बच्चों के संरक्षण एवं उनके सर्वांगीय विकास हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके बाद ईरानी अपने इस दौरे के दौरान बीजेपी की जोनल मीटिंग में भी शामिल हुई, जहां बीजेपी नेताओं से राज्य की राजनीति को लेकर उन्होंने चर्चा की। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर भी ईरानी ने बात की और फिर छत्तीसगढ़ के पूर्व CM रमन सिंह से भी स्मृति ईरानी ने मुलाकात की। ईरानी के साथ साथ केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी छत्तीसगढ़ का दौरा किया। इस दौरान वो अपने विभाग से संबंधित कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, अंग्रेजी ठीक बोलने वाले को ही कानूनी काम के ज्यादा केस मिलते हैं। ऐसा नहीं है, अंग्रेजी नहीं जानते तो क्या काम रुक जाएगा? क्या इस देश में कोई सोचे अंग्रेजी बोल रहा है तो बहुत स्मार्ट है? ये तो बहुत गलत बात है। सभी भाषाओं में काम होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी में भी बात हो सकती है। इसके बाद रिजिजू बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मिले और मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर मोदी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर बातचीत हुई। कुल मिलाकर 8 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल को अब 10 साल से भी आगे ले जाने की रणनीति बनाई जा रही है। जनता से उनकी शिकायतें, उनकी सुख सुविधा को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जिससे कि देश की जनता की असल परेशानियों को समझा जा सके और फिर उनका हल निकाला जा सके। वैसे आप मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल और साथ ही आंगनबाड़ी में बच्चों को ईरानी को पढ़ाते देख कितने प्रभावित हुए हैं, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। किसने देखा? ये क्या है? झंडा किसका?
भारत माता की जय। सारी अध्यापक हमारे आंगनबाड़ी की दीदी है, सबसे छोटा चली जाओ।